परसों मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी जहाँ पे मैंने एक जूता शो किया था जो रेड टेप की तरफ से आता है, लेकिन उसका जो मॉडल था, नॉर्मली रेड टेप ऐसे जूते नहीं बनाता, वो मॉडल नाइकी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड लग रहा था और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। सेम मॉडल जब मैंने अमेजोन पर देखा तो मैंने सोचा यार ये कब आया, रेड टेप ऐसा अचानक से कुछ भी जूते निकालता है और हमें पता नहीं चलता, और जब हम मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं तो हमें दिखता है कि यार ये जूता रेड टेप ने निकाल दिया। फाइनली वो जूता मेरे हाथ में है, इसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे ये जूता मुझे पहली नज़र में क्यों पसंद आ गया। आपको भी पसंद आएगा, अगर खरीदना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया है, दो चार जूतों के और लिंक मैंने दे रखे होंगे तो जाके उन्हें चेकआउट करना, आपको अच्छे लगेंगे। स्टार्ट करते हैं इस अनबॉक्सिंग से। सबसे पहले हमें रेड टेप क्लासिक का एक नॉर्मल बॉक्स मिल जाता है। उससे पहले मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ रेड टेप के बारे में। रेड टेप कहाँ का ब्रांड है? बेसिकली रेड टेप कानपुर का ब्रांड है और मिर्जा इंटरनेशनल कंपनी के अंडर में आता है, जो कि NSC में रजिस्टर्ड भी है और बांग्लादेश में अलग नाम से चलता है, अलग ब्रांडिंग से, और इंग्लैंड में अलग ब्रांडिंग से चलता है। दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे इंग्लैंड का लोगो देखने को मिल जाता है झंडे का, और यही रीज़न है कि कन्फ्यूजन होती है कि रेड टेप असल में है कहाँ का। तो ये बहुत सारे जगहों से अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। एक नॉर्मल नीले कलर का बॉक्स मिल जाता है हमें, एक बटर पेपर मिल जाता है, एंड दिस इज द शूज। हाँ, ये जूता मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया था और जब मैंने जूते को देखा मैंने कहा यार ये तो बहुत अमेजिंग है, इसको लेना बनता है। बात करेंगे सबसे पहले इसके स्टाइल के बारे में, इसके डिज़ाइन के बारे में। नाइकी जॉर्डन्स थोड़ा सा सिमिलर देता है, अगर आप नाइकी जॉर्डन्स में जाओगे या फिर रेट्रो में जाओगे तो आपको इस तरह के जूते देखने को मिलेंगे, और जिस तरह से लेदर पैचेस का यूज़ करा गया है जो एक क्वालिटी फील देता है अपर मटेरियल, अगर हम देखें स्वेड लेदर का यूज़ करा गया, दिस इज़ रियली अमेजिंग। रेड टेप ने बहुत टाइम बाद एक कह सकता है दिल को छूने वाला जूता निकाला है। क्लासिक के बाद अगर कहोगे जो मुझे लुक वाइज पसंद आ रहा है, ये जूता बहुत अच्छा लग रहा है। कंफर्ट तो अभी मैंने नहीं चेक किया लेकिन मैं पहन कर देखूंगा और आपको स्क्रीन पे रेटिंग्स दे दूंगा कंफर्ट की। वैसे देखने से कंफर्टेबल लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत लग नहीं रही है। बात कर लेते हैं एक बार इनर सोल को देखकर कि इनर सोल कैसा है। देखो मुझे यहाँ पे कोई खास ऐसा मेमोरी फोम नहीं देखने को मिलता या, लेकिन रेड टेप का जो ओरिजिनल फोम है, इनसोल है, वो लगा हुआ है जो कि मुझे लगता है कंफर्टेबल होगा, बिकॉज सेम इनसोल बहुत सारे शूज़ में लगाते हैं और वो कंफर्टेबल होते हैं। अंदर अगर पैचिंग की बात करें, जितना भी कुशन्स की बात करें, तो बहुत अच्छा कुशन हमें देखने को मिल जाता है बैक साइड में भी, यहाँ पे फ्रंटल पे भी, अगर हम देखें टंग एरिया पे भी कुशनिंग अच्छी करी गई है रेड टेप क्लासिक की। आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है, यहाँ पे लिखा है रेड टेप क्लासिक, तो मैं कह सकता हूँ कि रेड टेप क्लासिक का हाई टॉप वर्जन मैं इसे बोल सकता हूँ, और इस पे लिखा है मेड इन बांग्लादेश। जैसा कि मैंने कहा अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से अलग अलग ब्रांडिंग से ऑपरेट करते हैं, तो रेड टेप का ये वाला जो शेर वाला लोगो, ये बांग्लादेश से आता है बेसिकली। अपर मटेरियल की बात करें तो हमें लेदर मिल जाता है, प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का लेदर मिल जाता है। कुछ जगहों पे नॉर्मल लेदर यूज़ करा है जो कि जिसपे स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं, बट ठीक है पैचेस के लिए उतना लेदर चल जाता है, बट जो मेन एरियाज हैं उन्होंने पूरा टेक्सचर्ड लेदर यूज़ करा जो कि जल्दी ख़राब नहीं होता, जल्दी गंदा नहीं होता। इस जूते के साथ खास बात ये भी है कि जल्दी गंदा नहीं होगा। इसकी स्टिचिंग चारों तरफ अगर मैं देख पा रहा हूँ बहुत प्यारी करी गई है, वाइट में भी आता है, प्योर वाइट कलर में, प्रॉपर वाइट में, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। मुझे मिला नहीं, आउट ऑफ स्टॉक था। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शिवाय तुम लिंक देते हो आउट ऑफ स्टॉक रहता है, या फिर जो लिंक देते हो वो असल में होता नहीं है। देखो क्या होता है, जो लिंक जो मैं देता हूँ मेरे वीडियो के बाद अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो उस प्लेस पे रेड टेप कोई और जूता या कोई और कलर में जूता शो करने लगता है, जिसकी वजह से प्लीज़ मुझे मत कहा करो, बिकॉज वहाँ मेरी गलती नहीं है, वहाँ रेड टेप आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है जूता, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें मुझे ऊपर से दिख रही हैं अच्छी लग रही हैं। आगे आपको वेंटिलेशन के लिए कुछ पॉइंटर्स दे रखे हैं जो कि अच्छी बात है। प्रॉपर स्टिचिंग है, अलग अलग कलर में यहाँ पे डॉट डॉट करके कुछ डिज़ाइन दे रखा है जो कि मेरे ख्याल से स्पेस, हाँ यहाँ पे वेंटिलेशन डिज़ाइन ही है, ये ब्लैक नॉर्मल पेंट नहीं है, इसको पूरा छेद करके बनाया गया जो कि सही है ऊपर के हिसाब से देखा जाए तो। थोड़ा सा यहाँ पे क्लॉथ का यूज़ करा गया, थोड़ा मेस का यूज़ करा गया। आगे फ्रंट पे आपको स्वेड लेदर का यूज़ मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, ये स्वेड लेदर का यूज़ बहुत प्यारा लगता है फ्रंटल में, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सफाई वफाई जो मेंटेनेंस की बात होती है ना, तो ये अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं सोल की। देखो सोल से थोड़ी सी मैं शिकायत कर सकता हूँ बट नहीं करना चाहूँगा, बट मैं एक बार बात करूँ इसके बारे में फिर बताता हूँ क्या सीन है। पेंट यहाँ पे हल्का फुल्का आपको देखने को मिल जाता है, मुझे लगता है यहाँ नीचे भी ब्लैक पेंट किया गया है। सोल रबर है, TPU है, एंड थोड़ा सा मुझे लगा इन्होंने सोल में कमी रखी है। देखो ये सोल बुरा नहीं है, ये सोल बहुत अच्छा है, लेकिन
जैसा कि क्लासिक बनाता है सोल्स, वैसे सोल नहीं रखे हैं, बट हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि वो वाली सोल होती तो और भी कमाल हो जाता, बट आपको यहाँ देख सकते हो ये राउंड शेप कुछ याद दिला रहा होगा, अक्सर रेड टेप इस तरह की चीज़ें करता है। बाकी नीचे आपको रेड टेप की ब्रांडिंग मिल जाती है, ब्लैक कलर का सोल है, वाइट का थोड़ा सा यहाँ पे टेक्सचर दिया गया जो कि सही लग रहा है। ओवरऑल ये जूता मुझे अच्छा लग रहा है, ये जूता बेसिकली एग्जैक्टली ऑफ वाइट मैं कह सकता हूँ, हाँ ऑफ वाइट ही है, लेकिन मुझे थोड़ा क्रीमी क्रीमी फील दे रहा है ऊपर से। तो ये ऑफ वाइट ग्रे स्वेड लेदर और ब्लैक पैचेस का यूज़ करके बनाया गया है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्लास्टिक का पार्ट देखने को मिल जाता है, आई थिंक इट्स अ शैंक, ये बेसिकली शैंक है, TPU शैंक यूज़ करा गया है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बीच में आपको थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक का पैच मिल जाता है जो कि इस जूते को डिज़ाइन वाइज अच्छा बनाता है। ओवरऑल ये जूता आपके ऊपर अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये इस तरह के जो मॉडल वाले जूते होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं, आप इनको अपने कार्गोज पे पहन सकते हो, बैगी पैंट के साथ अच्छा जाएगा। इफ़ यू कैन कैरी ऑन फॉर्मल्स यू कैन ट्राई, इफ़ यू कैन कैरी, देखो मैं ऐसा कह नहीं रहा, चीनोज पे ठीक ठाक जाएगा, देखो ओवरऑल जूते पे पैंट्स पे अच्छा जाता है, कहीं कहीं पे थोड़ा नहीं जाता, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी द फिट एंड ऑल, पैंट की अगर बात करें तो ओवरऑल क्वालिटी वाइज जूता अच्छा है, मुझे सही लग रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है, परफेक्ट शूज़ है। इफ़ यू वांट टू बाय दिस यू कैन बाय, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज़रूर जाके खरीदें, मैं रिकमेंड करता हूँ इस जूते को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लिंक नीचे दिया है जाकर खरीदें वहाँ से, हमें अगर सब्सक्राइब करेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड टेलीग्राम पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ हम ट्राई करते रहते हैं कुछ नई नई एक्सक्लूसिव डील्स आपको शेयर करते रहते हैं। इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करें बिकॉज वहाँ पे हम एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा, आप हमारी ज़िंदगी से जुड़ सकते हैं। ओके, कभी कभी डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कुछ रिकॉर्डिंग छूट रही है, मैं देखता रहता हूँ, बाकी ब्लूपर्स आजकल ऐसा नहीं बनाता मैं, बट हाँ बीच बीच में नज़र रहती है यार, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, पता चले मैंने सारी चीज़ें रिव्यू वगैरह कर दिया और फिर जो है कांड हो गया। इट्स अ गुड शूज़, आपको इसका जो प्राइस है आई थिंक 1700 के आसपास मिल जाएगा, आप ट्राई कर सकते हो, 1200-1500 में भी मिल जाएगा अगर वेट करोगे तो। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड बी योर फ्रेंड, बाय।